वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम NCERT सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, 11th स्टैंडर्ड से स्टार्ट किया है, फर्स्ट ग्रेड का मान के चलिए मैं कवर करवाऊंगी मेरी वीडियोस में। अभी 11th का ये थर्ड चैप्टर है और उसका थर्ड पार्ट है, ये पार्ट थर्ड। तो इसके बाद में हम 12th का करेंगे, 10 या 11 पार्ट चैप्टर हैं इसके अंदर, उसके बाद में हम लोग 12th का कर लेंगे। फिर हम UG का चलेंगे, UG का करेंगे, मेरे ख्याल से PG का हम ना भी करेंगे, पर इट्स टेक टू मच टाइम, सो हम अभी 11th का करते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब और फॉलो करिए, मेहनत लगती है, और 15 से 20 मिनट की वीडियो देखने में आप लोगों का कुछ नहीं जाता, नॉलेज ही बढ़ेगा, है ना। और फास्ट करके अगर आप लोग देखते हो तो वो और भी जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी ब्रह्मपुत्र पढ़ना था, ब्रह्मपुत्र तंत्र कह दो या नदी प्रवाह कह दो, ये पढ़ना है। उसके बाद में हम ये प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद में पश्चिम में गिरने वाली और पूर्व में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, हम पहले सबसे पहले करेंगे शुरुआत ब्रह्मपुत्र रिवर की। तो ये कहाँ, तिब्बत, चीन में मानसरोवर के निकट से निकलती है, ठीक है। फिर इसको यहाँ क्या बोलते हैं, चेमांग युंग हिमनद है, एक क्या है, हिमनद, वहाँ से निकलती है, ठीक है। जब ये यहाँ बहती है तब इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, और सांगपो का मतलब पूछ ले तो उसका मतलब है शोधक। क्या मतलब है, शोधक। उसके बाद में जब ये यहाँ अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो दिहांग, और यहाँ पे लोहित, ठीक है, नागालैंड की साइड लोहित, मतलब दो भागों में प्रवाहित होगी, ठीक है। एक तो ये प्रसिद्ध क्यों है, मार्ग परिवर्तन के कारण, ठीक है, मार्ग परिवर्तन के कारण वह तटीय अपरदन इससे अधिक होता है, क्योंकि तेज प्रवाह है कि नदी है, तेज प्रवाह है कि नदी है, वर्षा जल भी यहाँ पे बहुत होता है, तो जब ये यहाँ आती है तो बहुत सारा क्या लाती है, अवसाद लाती है, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता हो गई। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जब ये बांग्लादेश में गिरती है तो किस नाम से जान जाती है, जमुना के नाम से जान जाती है, और इसके दाहिने तट पे कौन मिलती है आके, तिस्ता नदी, कौन सी नदी, तिस्ता, कौन से सिरे पे, दाएं सिरे पे, ठीक है, कहाँ, जमुना में, जहाँ इसको जमुना बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम दाहिने सिरे पे और कौन सी रिवर है इसके। तो देखिए, ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अदरवाइज साथ साथ लिखते जाइए। तो दाएं सिरे की बात करें, दाएं सिरे की, तो यहाँ सुबनसरी, सुबनसरी, कामोंग, कामेंग है, सॉरी कामेंग, फिर मानस, संकोस, एक इम्पॉर्टेंट है रांगो सांगपो, क्या, रांगो सांगपो। तो जल्दी से याद करिए, दाहिने तट की नदियाँ सुबनसरी, कामेंग, मानस, संकोस, रांगो सांगपो, ठीक है। अब बाएं तट की बात करते हैं, बाएं तट में एक तो दिबांग है, जिसको कई बार क्या बोल देते हैं, सिकांग, क्या बोल देते हैं, सिकांग, ठीक है। एक है यहाँ पे लोहित, ये दिबांग और सिकांग, लोहित, ठीक है, ये दो रिवर हैं। तो बाएं तट की रिवर पूछ ले तो
घबराना नहीं, तीन दे देंगे और एक ये दे देंगे। तो पूछ ले कौन से नहीं है, तो दिबांग दाएं टटकी नहीं है। सुबंसरी, कामेंग, मानस, संकोस, रांगो, सांगपो और बाएं टटकी कौन सी है, दिबांग, सिकांग, लोहित। तिश्ता नदी कहाँ मिलती है, जब ये जमुना के नाम से कहाँ बांग्लादेश में जानी जाती है, तो यहाँ दाएं तट पे क्या मिलती है, तिस्ता नदी। आई होप इतना समझ में आया होगा इसके बारे में। एक और भी है यहाँ पे बाएं तट की, कौन सी, एक बूढ़ी देहांग भी बोलते हैं, बूढ़ी देहांग, ठीक है। और एक बोलते हैं धन सरी, क्या, धन सरी, ये रिवर है, ठीक है, ये इतना जल्दी से लिख लीजिए। जो दाएं तट की है सुबनसरी, कामेंग, मानस, संकोस, रांगो, सांगपो, बाएं तट की है दिबांग, सिकांग, लोहित, बूढ़ी देहांग और धनसरी। ये ऑलमोस्ट इसका कंप्लीट हुआ, ब्रह्मपुत्र रिवर का। अब देखिए असम घाटी में जब ये बहेगी तो कितनी बहेगी, 750 किलोमीटर। और अगर इसकी टोटल लंबाई पूछ ले तो कितनी है, 1200 किलोमीटर। यहाँ ना एक पर्वत है नामचा बरवा, क्या, नामचा बरवा, ठीक है, यहाँ से होते हुए गुजरती है। और कितनी ऊंचाई से यहाँ की पूछ ले तो 55 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, नामचा बरवा में 57.55 मीटर ऊंचाई से निकलती है। तो और हमारे यहाँ पे कुछ नहीं बचता, बस इतना याद रखिए, बाहरी वर्षा होती है तो इसका प्रवाह है क्या होता है, तेज होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट ये क्लियर हो गया अपना। अब बात आते हैं हम प्रायद्वीपीय नदियों की, ठीक है। हमने देखा था कि नदियों को दो भागों में बांटा था, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीप की नदियाँ, ठीक है। प्रायद्वीप की भी बात करते हैं तो यहाँ पे भी दो टाइप में हो जाती है, एक पश्चिम में गिरने वाली, एक यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, ठीक है। ऐसे ही हिमालय में भी हो गया था, वो मैंने पूरा डिफाइन कर दिया था। अब यहाँ पे ये डिफाइन हो गया, जब ये यहाँ से तो ये जमुना के नाम से जानी जाती है, और जब यहाँ पे वो गिरती है कौन, गंगा, मेघना, ठीक है, मेघना के नाम से जानी जाती है। और जब ये मिल जाती है पद्मा से, मिलती है कौन, जमुना, तो वे आगे मेघना के नाम से जानी जाती है। चलिए आगे हम पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, ये मैं रब कर देती हूँ, है ना। देखिए लूनी से स्टार्ट कर लेते हैं, ये हमारी लूनी, ठीक है, कहाँ दिख रही है, अरावली पर्वत के, अरावली पर्वतमाला के, माला के पश्चिम से, कहाँ से निकली है, पश्चिम से निकली है, ठीक है। और पुष्कर में, कहाँ, पुष्कर में, पुष्कर में, पुष्कर के, पुष्कर के समीप देखिए दो भागों में बहती है ये, एक तो क्या है सरस्वती व दूसरी क्या है साबरमती। फिर गोविंदगढ़ के निकट, गोविंदगढ़ के निकट ये दोनों मिल जाती है, मिल जाती है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, फिर लूनी। आया समझ में आप लोगों को, खारे पानी की है ये तो पता ही है, राजस्थान में भी बहती है, ठीक है, और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसके बारे में, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं हम, और पता है कि यहाँ से अरब में गिर रही है, ठीक है, अरब सागर में गिरेगी, बहेगी कहाँ से, दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण, ये दक्षिण पश्चिम है ना, यहाँ से होती हुई कहाँ गिर जाएगी, अरब सागर में। चलो आई होप लूनी कंप्लीट हो गया आप लोगों का। अब बात करते हैं हम नर्मदा की, जो नर्मदा है हमारी अमरकंटक से निकलती है, कहाँ से, अमरकंटक, देखिए ये अमरकंटक से निकलेगी, उस अमरकंटक पठार के पश्चिम पार्श्व से, कहाँ, पश्चिम पार्श्व से निकलेगी, ठीक है। इतना समझ में आया, कहाँ से निकलेगी, अमरकंटक के
पश्चिम पार्श्व से निकलेगी और कितनी ऊंचाई से निकलेगी, 1075 मीटर की ऊंचाई से निकलेगी। उसके बाद में देखते हैं हम कि इसके दक्षिण में क्या होगा। दक्षिण में तो इसके क्या है, देखो यहाँ पे सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। दक्षिण में बात करें सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, ठीक है। और उत्तर में बात करें तो उत्तर में क्या है, विंध्यांचल। क्या है यहाँ पे, विंध्याचल है कि नहीं है, विंध्याचल। फिर देखिए और क्या हो सकता है, यहाँ नर्मदा के बारे में हम पढ़ते हैं तो एक इसकी लंबाई देख लेते हैं। लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर। भड़ोंच के निकट कहाँ गिर रही है, देखो एक भ्रंश है, मैंने ये आपको पहले भी बताया था, ठीक है। भड़ोंच के निकट एक भ्रंश में प्रवाहित होकर फिर यहाँ अरब सागर में आ जाती है, ठीक है। और कुछ नहीं है, एक बड़ा ज्वारनंद मुख बनाती है, ये ज्वारनंद मुख बनाती है, कहाँ, यहीं इसके निकट ही। और तो कुछ ज़्यादा नहीं है, इसकी लंबाई वगैरह देखेंगे हम यहाँ पे, अगर लंबाई जानना चाहो तो ये 27 किलोमीटर है ओनली, और कुछ खास नहीं है। अमरकंटक के पश्चिमी पार्श्व से निकलती है, दक्षिण में सतपुड़ा है, उत्तर में विंध्याचल है, लंबाई इसकी 13-12 किलोमीटर है। भड़ोंच भ्रंश है जो अरब में, भड़ोंच के समीप, इसके समीप एक भ्रंश है, फिर वो कहाँ प्रवाहित हो जाता है, अरब सागर में। और एक ज्वारनंद मुख बनाती है, अगर इसकी लंबाई इधर पूछे तो कितनी है, 27 किलोमीटर। तो उसके बाद में हम पढ़ेंगे अब नर्मदा के नीचे क्या है, तापदी। तापी भी बोलते हैं इसको, ताप्ती भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एमपी के बैतूल, कहाँ, एमपी के मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई, क्या मुलताई कस्बे या गांव, वॉट एवर, वहाँ से निकलती है, ठीक है। और इसकी लंबाई पूछ ले तो कितनी है, 724 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद में पूछ ले कि भाई ये कितना जल ग्रहण करती है, ये इम्पोर्टेंट है। 65 वर्ग किलोमीटर में ये क्या करती है, प्रवाहित होती है, ठीक है, जल ग्रहण क्षेत्र है इसका। उसके बाद में अगर पूछे तो 79% जो है वो महाराष्ट्र के अंदर बहती है। उसके बाद में 15% पूछ ले तो 15% बहेगी एमपी में, देखिए यहाँ पे एमपी, और फिर कितना हो गया, 48, और बाकी के 9 हो गए, तो 6% बहेगी ये एमपी में, और 6% बहेगी फिर यहाँ पे गुजरात में। ये थोड़ा अजीब सा बन गया ना, थोड़ा माइंड मत करना, ठीक है। एमपी फिर यहाँ पे गुजरात में, ठीक है। तो 79% महाराष्ट्र, ठीक है, एमपी मध्य प्रदेश, और ये गुजरात हो गया 79, 15 and 6%, ये याद रखिएगा रेशियो इसका। तो ताप्ती भी हमारी क्लियर होगी। अब मैन जो कहाँ, बंगाल की खाड़ी की रिवर है, ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं। ये तो कहाँ थी, अरब सागर की थी, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं, एक यहाँ पे माही नदी, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो राजस्थान को 2 बार काटती है, ठीक है। और कौन से ज़िले को काटती है वो मुझे आप लोग कमेंट में बताइएगा। अब बात करेंगे हम किसके कर लें, पहले महानदी की कर लें। देखिए छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिहावा गांव से या कस्बे से निकलती है, इतना समझ में आया। और कहाँ गिरेगी फिर, बंगाल की बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। इसकी लंबाई पूछ ले तो 851, क्या है इसकी लंबाई, 851 किलोमीटर, ओके। जल ग्रहण क्षेत्र पूछ ले तो, जल ग्रहण 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर, गॉट इट। अब देखिए यहाँ एमपी है, तो एमपी में 53% कहाँ, मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में कितनी, 53%।
उसके बाद में छत्तीसगढ़, ये देखिए यहाँ छत्तीसगढ़ में कितनी 47% ज़्यादा, कहाँ एमपी में, और 47 छत्तीसगढ़ में। तो ये हमारी महानदी कंप्लीट हुई सबसे पहले। उसके बाद में बात करते हैं गोदावरी जी की। तो गोदावरी कहाँ से, महाराष्ट्र से, इधर से देखिए महाराष्ट्र से निकलती है, इधर लिखे लेते ना हम, एक साइड सही रहेगा, महाराष्ट्र से निकलती है और गिरती कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में, कोई दिक्कत नहीं है। 1465 क्या है इसकी लेंथ हो गई, ठीक है, कितनी बहती है 1465 किलोमीटर। और उसके आगे इसका जल ग्रहण क्षेत्र देखें, क्या जल ग्रहण क्षेत्र, तो कितना है 3.13 लाख स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर कह दो, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये कहाँ कहाँ बहती है, एक आंध्र प्रदेश में बहेगी, ठीक है, और एमपी में भी बहेगी ये थोड़ी सी ऐसे करके, एक छत्तीसगढ़ में भी। तो मैंने देखिए महाराष्ट्र, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़ आएगा और फिर आंध्र प्रदेश आएगा, ठीक है। अब इनकी परसेंटेज और देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि 49 तो यहाँ आपको दिख ही रहा है, ज़्यादा कहाँ महाराष्ट्र में। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे एमपी आएगा सबसे पहले, तो एमपी कितनी 20% लेगा, कितनी ओनली 20%, और फिर बाकी का क्या कह देंगे इसको मिला के, ठीक है, ये दोनों एमपी और छत्तीसगढ़ को मिला के 20%, बाकी का बचा है वो आंध्र प्रदेश में बहेगी। तो मेरे ख्याल से ये भी क्लियर होगा। और इसकी अगर मेन देख लेते हैं, एक तो दूधना हो गई, पेनगंगा हो गई, पेनगंगा, प्राणहिता, ठीक है, इंद्रावती, ये इसकी क्या है प्रमुख सहायक नदियाँ, ठीक है, प्रमुख सहायक नदियाँ क्या हैं, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, और लंबाई 6465, जल ग्रहण क्षेत्र 3.13, क्या बोल रही हैं यार पता ही नहीं, महाराष्ट्र में 49%, एमपी में, छत्तीसगढ़ में मिला के 20%। तो ये हमारी गोदावरी जी कंप्लीट हो गई। अब बात करेंगे हम अपनी कृष्णा जी की। कृष्णा जी आती हैं यहाँ से, ठीक है, सह्याद्री, महाबलेश्वर, कहाँ महाबलेश्वर से निकलेगी, ठीक है, देखिए यहाँ से निकलेंगी, ठीक है। उसके बाद में कितना 1401 किलोमीटर बहेगी, ठीक है, मतलब लंबाई है इसकी। और जल ग्रहण क्षेत्र बात कर लें, मतलब कहाँ कहाँ, पहले महाराष्ट्र की बात कर लें, महाराष्ट्र में ये 27%, कितनी महाराष्ट्र में ये 27%। उसके बाद में 44 बहेगी कर्नाटका में, कहाँ कर्नाटका में, 44 कर्नाटका में बहेगी इधर, ठीक है। फिर 29 आएगी आंध्र प्रदेश में, 29% आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये अपनी कृष्णा हो गई, भीमा इसकी सहायक नदी है एक, और अगर सहायक नदियों के बारे में जानना चाहें हम तो कृष्णा की सहायक नदियां और हो जाएगी, जैसे कोयना, तुंगभद्रा, क्या सहायक नदियां, कोयना, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, और एक ये भीमा लिखी हुई है मैंने, ये इसकी सहायक नदियां हो गई। तो स्क्रीनशॉट मार लो जल्दी से, या फिर लिख लो साथ साथ में, जैसे आपकी मर्जी है। उसके बाद में हम कावेरी के बारे में पढ़ेंगे, देखिए चलिए अब कावेरी की बात करते हैं। देखिए कहाँ है कावेरी जी, ये रही, ठीक है। तो कर्नाटक के कोयडू से, कर्नाटक के कोयडू से, मानने में क्या जाता है ना, ऐसे मान लो कर्नाटक है, ठीक है, कर्नाटक के कोयाडू है, सॉरी कोयाडू से, एक मिनट, कोगाडू, कोगाडू से, ठीक है। और कहाँ, ब्रह्मगिरी, देखिए यहाँ पे ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से बहेगी, ठीक है, निकलेगी कहाँ से,
कर्नाटक के कोगाड़ू जिले से ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से बहेगी, और उसके बाद में कितनी मीटर ऊंचाई से अगर ये पूछ ले तो 1341 किलोमीटर की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कितनी ऊंचाई पे 1341 मीटर की ऊंचाई से बहेगी। अब इसका जल ग्रहण देख लेते हैं हम। एक तो ये वर्ष भर बहेगी क्योंकि यहाँ पे बारिश वगैरह ज़्यादा है, ठीक है। और क्या है कि दक्षिण पश्चिम का जो मानसून है, दक्षिण पश्चिम का मानसून गर्मी में, कौन सा गर्मी में, और उत्तर पूर्व का, इधर से बात करते हैं ऐसे, उत्तर पूर्व का मानसून क्या ठंड में, सर्दी में। इनके कारण क्या, ये पूरे साल बहती है नदी, ठीक है, बारहमासी अपन इसको बोल सकते हैं। ओनली 3% कहाँ, केरल में प्रवाहित होती है, कहाँ केरल में। बड़े ही धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है, आप लोग इजीली सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। 41% कर्नाटका में, ठीक है, 3% केरल, 41% कर्नाटका, 44 हो गए, और बच गए 56, तो 56% ये तमिलनाडु में, कहाँ तमिलनाडु में। इतना क्लियर है। कर्नाटक कोगाड़ू से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, तो ऊंचाई होती 1341, ठीक है। उसके बाद में भवानी, और यहाँ भवानी और अमरावती, इसकी भवानी अमरावती इसकी मुख्य सहायक नदियाँ मान लीजिए आप, और तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं बचा, ऑलमोस्ट एक काबिनी और नदी है इसकी, काबिनी नदी, काबिनी बस, और कुछ नहीं है। और नदियाँ तो बहुत है यहाँ पे भी, ठीक है, वो हम पश्चिम की तरफ गिरने वाली नदियाँ, इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट, तो हमने ये देख ली। और जो है बाकी बची हुई जो सिलेबस के अंदर है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक पार्ट और बनाना पड़ेगा, ये भी बहुत मुझे लेंथी लग रही है, शायद हो गई होगी, पता नहीं, चेक करेंगे, ठीक है। तो आई होप ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो ड्रेनेज सिस्टम उसका वो पता होगा आपको, समझ में आया होगा। और बात इसकी है किसकी, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में, तो ये भी समझ में आया होगा। पश्चिम में बहने वाली नदियाँ हम कल देखेंगे, चलो। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, स्पॉट मी, थैंक यू।